लेकिन 133 रन से ये मैच इंडिया ने अपने नाम किया। सो मैसिव मैसिव विक्ट्री, अनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड। और ये जो कुटाई आज हुई है, इट्स ऐसा, ये काम रोज रोज नहीं होता। रोज रोज इस तरह की जो फेंटी है वो नहीं लगती, बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की जो फेंटी लगी है, इट्स अनबिलीवेबल सॉर्ट ऑफ फेंटी जो आज हमने देखी है। तो बिल्कुल आप ये गाना गा सकते हैं, तौबा तौबा, ऐसी कुटाई हमने कभी देखी नहीं। और इस टूर पे उनको टेस्ट मैचेस में भी वाइट वॉश, उसके बाद T20 सीरीज में भी इंडिया ने किया। जो उनकी इज्जत बनी हुई थी ना, जो पाकिस्तान से यहाँ पे टेस्ट सीरीज जीत के गए हैं, वाइट वॉश करके गए हैं, लेकिन इस टूर पे आके इंडिया ने वो सारी इज्जत उनकी बस खत्म कर दी है। 297 रन आज टीम इंडिया ने झाड़ दिए इस T20 इंटरनेशनल में, 297 रन। हम लानती पाकिस्तानियों ने कभी इतने रन वनडे में नहीं बनाए, कभी इतने रन टेस्ट में नहीं बनाए। इंडिया ने 297 रन T20 में मार दिए हैं। मतलब कोई मुझे बताओ यार, ये T20 क्रिकेट हो रही थी क्या? ये इंडिया ने जिस तरह की बैटिंग की है, जिस तरह की बॉलिंग की है, ये क्या हकीकत में होता है? क्या ये रियल स्टफ है क्या? मतलब ये अब क्रिकेट ये होगी? मतलब बिल्कुल यार तबाही फेर दी यार, कानों को हाथ लगाने वाली क्रिकेट खेली है। तौबा तौबा करने का दिल करता है यार। महमूदुल्लाह का बेचारे का आखिरी ये मैच था करियर का, और T20 वगैरह वो बाकी सब रिटायर हो गया, तो आखिरी मैच में भी उसने भी जाते जाते देख लिया कि अभी नेक्स्ट जनरेशन वाली जो क्रिकेट है वो कैसे खेली जाएगी। सूर्य कुमार यादव उसके पास गया, जाके उसकी बैक में थपकी दी, ओके वेल डन, करियर ओवर हो गया आपका। वो जा रहा है उसके करियर के आखिरी मैच में 297 रन डले हैं। पार्टनरशिप लगी है ना संजू की और सूर्य कुमार यादव की, वो जिसने नहीं ना देखी वो बार बार रिपीट करे, देखे। मैं वो उनकी बात कर रहा हूँ जो प्रोफेशनली क्रिकेट देख खेलना चाहते हैं या देख के कुछ सीखना चाहते हैं, T20 क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो T20 की ये बैटिंग जरूर देखें। तो भाई संजू सैमसन से अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा था, संजू सैमसन ने अपनी जगह की नहीं सोची, मैं अपने 20 कर दूं 30 कर दूं, वो डीला भी नहीं हुआ कि भाई हम दो T20 जीते हुए हैं तो हम थोड़े डीले हो जाए, नहीं भाई, उसने ऐसी ताबड़तोड़ किस्म का अटैक करना शुरू किया है ना। T20 हिस्ट्री में इतने रन किसी टीम ने नहीं बनाया आज तक, 297 निकलो नवी ऐसी कच्चा से पार के। पाकिस्तानी बैठ के ये बातें करते थे इंडिया आईपीएल में बस इतने रन बना सकता है, इंडिया तो सिर्फ आईपीएल में ये करेगा, इंडिया ये करेगा। बेटा आपके आपके पापा जानी ने इंटरनेशनल में भी उतने रन बना के आपको दे दिए, अब बैठ के ना अपने मुंह में चूपा लेंगे ना, उसको चूसते रहो बैठ के। कप्तान बना है, दूसरी उसकी सीरीज है जब से प्रॉपर कप्तान बना है आफ्टर रोहित शर्मा। तो एक तो श्रीलंका में जाके वो ज्यादा अहमियत की हामिल थी, क्योंकि श्रीलंका में जाके वो सीरीज तीनों मैच जीत के आया, व्हाइट वॉश, और ये वाली दूसरी सीरीज थी इसमें भी व्हाइट वॉश। तो जो रिकॉर्ड है अच्छे अच्छे बनने का जो सिलसिला है वो जारी हो सारी है, और इंडिया व्हाइट वॉश बांग्लादेश एंड ऐसी कुटाई, तौबा तौबा। आजकल वो गाना भी बड़ा मशहूर हुआ है, तौबा तौबा वाला गाना तो आपने सुना होगा ना, वो तो बड़ा मशहूर है गाना। तो ऐसी कुटाई ऐसी धुलाई, तौबा तौबा। सूर्य कुमार यादव एक्सीलेंट स्टार्ट है जनाब उसके करियर का एज अ कैप्टन, वो जिस तरह की शानदार बैटिंग करता है वैसी कप्तानी भी लाजवाब कर रहा है, प्लेयर्स को दिलासे दे रहा है, जाके कोई अच्छी अचीवमेंट करे जाके उनसे जफियां डालता है, जफियां, मोरल हाई, बेहतरीन और शानदार। और स्किल सेट जो है प्लेयर्स का वो नेक्स्ट लेवल है, वो ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल है, उसमें कोई क्वेश्चन करने की कोई गुंजाइश है नहीं। तो ये जो अच्छे ताज़ा शानदार रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी है इंडिया का, उसमें मजीद एक और सीरीज का इजाफा हुआ है, और वो भी धड़ल्ले से 133 रन से इंडिया ने मैच जीता है, 133। अनबिलीवेबल सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी जो है उसका सिलसिला जारी सारी। टीम इंडिया जो है जिस लाजवाब तरीके से खेल रहा है, इट इज अमेजिंग। और ये जो कुटाई आज हुई है, इट्स ऐसा, ये काम रोज रोज नहीं होता, रोज रोज इस तरह की जो फेंटी है वो नहीं लगती, बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की जो फेंटी लगी है, इट्स अनबिलीवेबल सॉर्ट ऑफ फेंटी जो आज हमने देखी है। तो बिल्कुल आप ये गाना गा सकते हैं, तौबा तौबा, ऐसी कुटाई हमने कभी देखी नहीं। और ऐसी वो गाना तो एक और भी है ना, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कभी, तो ऐसी कुटाई भी कभी नहीं देखी। महमूदुल्लाह का बेचारे का आखिरी ये मैच था करियर का, और T20 वगैरह वो बाकी सब रिटायर हो गया, तो आखिरी मैच में भी उसने भी जाते जाते देख लिया कि अभी नेक्स्ट जनरेशन वाली जो क्रिकेट है वो कैसे खेली जाएगी। ठीक है, जितना भी वो बांग्लादेश के लिए खेला, हमारी बेस्ट विशेस है, इट वाज नाइस। सूर्य कुमार यादव उसके पास गया, जाके उसकी बैक पे थपकी दी, ओके वेल डन, करियर ओवर हो गया आपका। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये काफी क्रूशियल और स्पेशल बात है कि अब वो जा रहा है उसके करियर के आखिरी मैच में 297 रन डले हैं, बिकॉज दिस इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू स्टाइल ऑफ T20। अब शायद हमें ऐसे देखने को मिलेगा 200, 225 आगे फ्यूचर में जाके, शायद ऐसा वैसे कोई हिसाब किताब होगा। संजू सैमसन उसके लिए ये बारी बड़ी जरूरी थी, और कहीं ना कहीं बताने के लिए, दिखाने के लिए कि जी हाँ, आई एम वेरी टैलेंटेड, और मुझे मुस्तकिल बुनियादों पे चांस दिया जाए, मुस्तकिल बुनियादों पे। तो मुस्तकिल बुनियादों पे उसको भी चांस आगे फ्यूचर में मिलेंगे। मजा आया खैर देख के उसकी बैटिंग, आई थोरली इंजॉयड जो उसने छक्के मारे 5 एक ही ओवर में। ओवरऑल भी जिस अथॉरिटी के साथ उसने खेला है ना, वो बड़ी कमांडिंग है, वो बड़ी बेहतरीन, बड़ा शानदार है। हालांकि सूर्य कुमार यादव जैसा बैट्समैन खेल रहा हो तो बहुत ही कम होता है कि सूर्य कुमार यादव का जो स्ट्राइक रेट है वो दूसरा वाला जो है उसको चैलेंज कर रहा हो, मुसलसल चैलेंज कर रहा हो जो उसके साथ खेल रहा हो, ऐसे ही है कि नहीं? जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव खेलता है हमें पता है कि हाउ डेंजरस ही इज, और जिस तरीके से वो छक्के मारता है, चौके मारता है, ही इज वेरी वेरी डेंजरस। लेकिन जो उसके साथ खेल रहा है, अगर वो भी उसको चैलेंज दे रहा है स्ट्राइक रेट में, तो इसका फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कितना शानदार खेला होगा, कितना बेहतरीन खेला। और जैसे सूर्य कुमार यादव ने 75 रन बनाए हैं, जो शॉर्ट सिलेक्शन थी, जो दिलेरी है, वो तो 360 प्लेयर बोला जाता है, ऐसे नंबर 1 नहीं है मैच विनर। आज मुझे एहसास हुआ, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं
दिल से कह रहा था कि यार ये इंडियन टीम ने किया क्या, हार्दिक पांड्या को चेंज करके सूर्या कुमार यादव को बना दिया, लेकिन इस परफॉर्मेंस पे और इस क्रिकेट जो खेल रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि इसमें उनकी प्लानिंग थी कि टीम को कौन सा कप्तान सूटेबल रहा, तो हमने अपने बेस्ट ऑलराउंडर को खलीफा नहीं बनाना कप्तान बना के, उससे हमने और परफॉर्मेंस लेनी है, उसको ऑन टोज रखना है। तो वो चीज़ नज़र आई है कि मैनेजमेंट प्रोफेशनली कितनी ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से हम लोगों को देखना चाहिए, कुछ अच्छा करना है ना ज़रूर देखे, इस चीज़ को सोचे ज़रा। तो उन्होंने ऐसे नहीं कप्तान बनाया सूर्या कुमार यादव को। उसके बाद संजू को आप देख ले, संजू सैमसन कभी वनडे में आ रहा है तो T20 में ड्रॉप हो रहा है, T20 में आ रहा है तो वनडे में ड्रॉप हो रहा है, 100 किया साउथ अफ्रीका में, नेक्स्ट ओवर वनडे सीरीज से ड्रॉप हो गया। लेकिन आप देखें कि आज उसको रेस्ट करवा सकते थे, आप तिलक वर्मा को खिला सकते थे, लेकिन गौतम ने और कप्तान ने कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, ये इस टैलेंट को हमने ऐसे जाने नहीं देना, हमने इससे निचोड़ निकालना ही निकालना है। वनडे में वो शो कर गया, मौका दे दे के, क्योंकि टैलेंट नज़र आया, उनको पता है कि ये ऐसा प्लेयर है, कोई 25 इनिंग्स ज़ाया नहीं होंगी, इसको कंसिस्टेंट परफॉर्म मौका नहीं दिया गया, तो इसलिए इस सीरीज़ में पूरा दो। आप देखें कि कोच सबसे ज़्यादा खुश था, कप्तान साथ खेल रहा वो सबसे ज़्यादा खुश है। हर यंगस्टर लड़का आता है इंटेंट दिखाता है, आता है इंटेंट दिखाता है। सर 297 रन आज टीम इंडिया ने जड़ दिया इस T20 इंटरनेशनल में, 297 रन। हम लानती पाकिस्तानियों ने कभी इतने रन वनडे में नहीं बनाए, कभी इतने रन टेस्ट में नहीं बनाए, इंडिया ने 297 रन T20 में मार दिए। इनकी सक्सेस करा BCCI जो यंगस्टर्स को मौके देता है, रोहित शर्मा जिसने एक कप्तान नहीं एक लीडर बना, सूर्या कुमार यादव जो कहता है मैंने कप्तान नहीं बना मैंने लीडर बना, और एक हमारा इधर रिंकू घंटे का किंग चमकीला रिजवान, ये दो कोड़ी के टके के प्लेयर, इन्होंने पाकिस्तान के लिए जनाजा निकाला है। तो मैं बताता हूं T20 में इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया सर, रिकॉर्ड 297 रन T20 क्रिकेट में, ये सेकंड हाईएस्ट रन है, मैं तकरीबन इसको बोलूंगा फर्स्ट, मतलब पहले हाईएस्ट रन ही है। इसके ऊपर क्या है, नेपाल और जो है वो मंगोलिया का मैच था जिसमें नेपाल ने बनाया था, नेपाल और मंगोलिया के मैच में वो चीज तो नहीं ना होगी जो इंडिया और बांग्लादेश के मैच में होगी, तो आप इस बात को मेरी समझ रहे होंगे, मतलब T20 हिस्ट्री में इतने रन किसी टीम ने नहीं बनाए, मैं ये बोलूंगा ठीक है। T20 हिस्ट्री में इतने रन किसी टीम ने नहीं बनाया आज तक, 297 निकलो के पाकिस्तानी बैठ के ये बातें करते थे, इंडिया IPL में बस इतने रन बना सकता है, इंडिया तो सिर्फ IPL में ये करेगा, इंडिया ये करेगा। बेटा आपके अपने ना आपके पापा जानी ने इंटरनेशनल में भी उतने रन बना के आपको दे दिए, अब बैठ के ना अपने मुंह में चूपा लेंगे ना उसको चूसते रहो बैठ के। 297 रन इंडिया ने बांग्लादेश के आगे बनाए हैं, रन रेट इनकी रही है भाई 15 की रन रेट से रन मारे हैं हर ओवर में। इस बात के चैन पर नहीं चैन को जरूर सीध की बात करें सर, यही बांग्लादेश का कैप्टन जो कि सांतो पहले कह रहा था कि हम इंडिया को जो कि टेस्ट में व्हाइट वॉश करेंगे और फिर बाद में जो कि हम T20 में इंडिया को व्हाइट वॉश करेंगे, लेकिन भारत ने जो कि उल्टा कर दिया, बांग्लादेश को टेस्ट में व्हाइट वॉश कर दिया, अब जो कि T20 में व्हाइट वॉश हुई है पूरी तरह से, अभी सब तमाचा मारा है सांतो के ऊपर और पूरी तरह से जलील कर कह रहा है ये जो कि बांग्लादेश चौड़े होकर फिर रहे थे कि हम पाकिस्तान में व्हाइट वॉश कर दिया तो हम इंडिया को भी व्हाइट वॉश कर देंगे, लेकिन इंडिया इनका बाप है और इनको इनके ओखा दिखा दी और पूरी तरह से इनके क्रिकेट को जो कि तेसनेस कर दिया। तो जबरदस्त इनिंग हुई सब, संजू सैमसन ने खेली 111 रन की और शानदार बैटिंग जो कि सूर्य कुमार यादव ने भी की, हार्दिक पांड्या ने भी की, रियान प्राग ने भी की, जबरदस्त बॉलिंग अटैक टीम इंडिया की, जबरदस्त जीत अपने नाम की और पूरी तरह से भारत ने बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया दोनों जो कि फॉर्मेट में। तो पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कैसा लगा, चल गया चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए, तो कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चुकी चाहिए।